वेव की इक्वेशन के एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले रूल नंबर वन, वेव की इक्वेशन क्या है, वाई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेज। इसमें ये इनिशियल फेज है, ये पूरे का पूरा एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। के का मतलब वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर, एक्स का मतलब उसकी पोजीशन है, और ये वेव की इक्वेशन है। और ये इक्वेशन के अंदर क्या अजम्पशन है कि वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर आपकी वेव राइट टू लेफ्ट है तो लिख लो वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस इनिशियल फेस। ठीक है, ये मैंने बता दिया, माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन हो गई यहां तक। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें ये रहा। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में, आपको वेव की इक्वेशन देगा वो, वाई इज इक्वल टू, ये पूरी वेव की इक्वेशन है। अब आपने ध्यान से ये देखना है, इस वेव की इक्वेशन में 100t प्लस 20x है, और पीछे एक एक्स्ट्रा एंगल भी गिवन है, उस एक्स्ट्रा एंगल को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, है ना, इनिशियल फेज है। तो आप अपने मन में अपनी इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, पहले ये इक्वेशन लिखेंगे। आपने इक्वेशंस क्या याद की हुई है, y इज इक्वल टू a, अगर ये साइन है तो साइन, और अगर ये कॉस होता तो आप भी क्या लिख देते, कॉस, क्योंकि वेव की इक्वेशन साइन कॉस कुछ में भी हो सकती है। 100t के नीचे क्या आएगा, ओमेगा t, दिख रहा है कि 100t के नीचे क्या लिखेंगे यहां पर, ओमेगा t। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और अगर माइनस होता तो माइनस, कोई फर्क नहीं, बस प्लस का मतलब होता है वेव इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम भी राइट टू लेफ्ट लगा लेंगे, और पीछे अगर एंगल गिवन है तो फाई लगा लेंगे, नहीं गिवन तो नहीं लगाएंगे। तो लिख ली वेव की इक्वेशन, कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड वेव का क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 6, ओमेगा क्या आएगा, 100 रेडियंस पर सेकेंड, कंपेयर करके के क्या आएगा, 20, और इनिशियल फेस कितना है, पाई बाय 4। अब आपको इसमें वेलोसिटी निकालनी है, के क्या होता है बताओ, के होता है ओमेगा अपॉन वी, तो वी क्या होगा, ओमेगा बाय के, क्योंकि क्वेश्चन में कंपेयर करके ओमेगा निकाल लिया, के निकाल लिया, डिवाइड करके वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन बढ़िया आएंगे। वेव का फंक्शन क्या, इक्वेशन के नीचे इक्वेशन तो लिखनी है, इसमें कंपेयर करके आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है वेव की इक्वेशन लिख दी, आपको क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेलोसिटी, सब पूछ लिया उसने। आप अपनी वेव की इक्वेशन लिखें, इस वेव की इक्वेशन के नीचे एक काम करें, ध्यान से देखें, उसने 2 पाई जान के बाहर लिखा हुआ है, इसके जो हमने इक्वेशन याद की हुई है उसमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, उसमें कॉमन भी कुछ नहीं है। तो पहला स्टेप 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दें, दो ही टर्म्स होनी चाहिए, एक टाइम की टर्म और एक एक्स की टर्म, तो ये लिख दिया। कंपेयर करें, साइन की इक्वेशन, तो ए साइन, इसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा टी, इसकी जगह माइनस है तो माइनस के एक्स, प्लस होता तो प्लस के एक्स। कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड कितना है, 10, ओमेगा कितना है, 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड या हर्ट्ज, एक ही बात है, तो एक आंसर आ गया। नेक्स्ट कंपेयर करके के कितना आ रहा है, 2 पाई इनटू 0.005, के नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, नेगेटिव कैसे होएगा, क्योंकि अगर ये माइनस है आप ऑटोमेटिकली इसको माइनस लिख लेते हो, और अगर प्लस है तो के तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो k आपने कंपेयर करके क्या लिख लिया, 2 पाई इनटू 0.005, x के कोफिशिएंट को k बोलते हैं, k आ गया, k क्या होता है, ओमेगा बाय v, ओमेगा क्या है, 2 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई, सॉल्व करके क्या आ गई, वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्या बढ़िया क्वेश्चंस है, कंपेयर करो, अपने आंसर निकाल लो, डन। कंपेयर करके ओमेगा 2 पाई नहीं आ रहा, कंपैरिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये
सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेन ऑफ एम्पलीट्यूड ए गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो पॉजिटिव एक्स कहां पर मिलेगी आपको? राइट. तो वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 15. फाइंड वाई, और आपको क्या गिवन है? फाइंड वाई द पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सीलरेशन एक्स इज इक्वल टू 180 फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड 2π into फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो सॉल्व करके क्या जाएगा? के. अब वेव की इक्वेशन बनानी है ना, तो वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? वेव की इक्वेशन में पार्टिकल कहां जा रहा है? इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. यार माइनस आना चाहिए यहां पे, पॉजिटिव एक्स तो राइट होता है ना, तो माइनस आना चाहिए. तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर होती है ना, तो वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहां पर हर जगह क्या आना चाहिए? माइनस माइनस एंड माइनस एंड माइनस, माइनस कर लेना प्लीज. वेव कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट टू राइट, तो यहां करेक्शन करना माइनस. तो क्या करना है? एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा आपने निकाल लिया, के आपने निकाल लिया, वेव की इक्वेशन आगे डन. बस वेव की इक्वेशन बनानी है आंसर, जिस मर्जी फॉर्म में निकाल दो ना. अच्छा, एक वेव की इक्वेशन एक आ गई ना, एक पार्ट हुआ सॉल्व. अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, कब? जब एक्स कितना है? 180. और टाइम कितना है? तो पुट कर दो एक्स को 180 और टाइम को 5 पुट करोगे तो क्या आएगा? वाई. ये मेडिकल वाले नहीं कर पाएंगे, नॉन मेडिकल वाले कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये 224π का 24π के हिसाब से आंसर क्या होता है? 0. मेडिकल में नहीं आएगा ऐसा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ऐसी क्या निकालनी है? पार्टिकल की वेलोसिटी. अभी हमने पार्टिकल की वेलोसिटी किया नहीं टॉपिक, क्या करना होगा वो बताएगा. पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए जस्ट तरीका पूछ रहा हूं. ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट, तो इसको dv/dt करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी. SHM वाली सेम प्रॉब्लम है, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे पार्टिकल की एक्शन. वो किया नहीं मैंने, क्योंकि हमने वो टॉपिक अभी किया नहीं है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. अच्छा, जैसे सपोज ये हमने कर लिया, इस क्वेश्चन को देखना, ऐसा लगेगा SHM की प्रॉब्लम है आदि. तो देखो क्वेश्चन है, SHM में पार्टिकल मूव करेगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उल्टी जा रही है. मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि पार्टिकल SHM में है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला SHM के फॉर्मूले लगेंगे, a ओमेगा. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है? 90, a ओमेगा स्क्वायर 90. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द वेव v गिवन है और इक्वेशन बनाओ वेव फॉर्म की. तो सबसे पहले रूल नंबर 1, तो आपको इस क्वेश्चन में ओमेगा पता है, a पता है, और k क्या होता है? k होता है ओमेगा बाय v. तो v क्या होता है? ओमेगा बाय k. अब v आपको 20 पता है, v अगर आपको 20 पता है, ओमेगा आप निकाल लेंगे, ओमेगा पुट करके क्या जाएगा? k. तो मान लो आपने k भी निकाल लिया, क्योंकि वेव की इक्वेशन नेगेटिव x एक्सिस में है. नेगेटिव x एक्सिस का मतलब मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो माइनस कीजिएगा प्लस. वेव उल्टी जा रही है, तो वेव की इक्वेशन में a निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, k निकाल लिया, आंसर. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? तो बढ़िया है ना वेव की इक्वेशन के क्वेश्चन, ये पक्का आएगा आपके स्कूल के पेपर में. वेव की इक्वेशन देगा, कंपैरिजन से आंसर पूछेगा ही पूछेगा. एक लैपलेस आएगा, एक वेव की इक्वेशन आएगी. नीट और मेन में वेव की इक्वेशन में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, नीट और मेन में आएगा. अभी दिखाता हूं उसका सैंपल भी कैसा है. लेकिन आगे चलने से पहले एक नई और चीज सीखो इसमें, ये बीच बीच में कॉन्सेप्ट यूज होता रहता है. देखो कैसे, सपोज ये आपके पास एक वेव है, इस वेव, ये जो वेव है ये एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करती है? कैपिटल टी में. और एंगल कितना कवर हो जाता है इसका? 2π. तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टी टाइम में, टी कैपिटल टी टाइम में एंगल कवर कितना? 2π रेडियंस. कोई डाउट? सही है. किसी ने ये पूछ लिया, सर टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड पे कितने रेडियंस बने?
अब कैपिटल टी पे तो 2 पाई है, 15 सेकंड पे क्या बने, 30 सेकंड पे क्या बने, डेल्टा टी टाइम में क्या बने, तो लगाओ मेथड। कैपिटल टी का मतलब एंगल कितना 2 पाई, 1 का मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी, डेल्टा टी टाइम का इसको फेज बोलते हैं एंगल को, तो फेज कितना आएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू डेल्टा टी। जैसे न्यूमेरिकल आएगा कि सपोज करो, ये फॉर्मूला बन गया इसका, सपोज करो कि आप फेज बताओ एक वेव ने कितना कवर किया, कितने समय में, टी बाय 4 और टी बाय 6। पहला मेथड, आप ये फॉर्मूले को लिखो, इस फॉर्मूले में डेल्टा टी को क्या पुट करो, कैपिटल टी बाय 4, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आंसर, सिंपल। और दूसरे पार्ट में क्या पुट करो यहां पर, कैपिटल टी बाय 6 आंसर। मैं कहता हूं ये भी ना करो, बस सीधा लिखो टाइम कितना गिवन है, कैपिटल टी बाय 4, अपने मन में कैपिटल टी कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई लिख दो, कैपिटल टी के ऊपर 2 पाई, 2 पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 आंसर। कितना आसान तरीका है, कैपिटल टी बाय 6 है ना, तो कैपिटल टी का मतलब 2 पाई, तो मन में इसको 2 पाई कन्वर्ट करके आंसर आ गया। क्या जरूरत है किताब भी बातें हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखो, अगर एक वेव है, एक वेव ने एंगल कितना कवर किया 2 पाई, जब लेंथ कितनी कवर की, लैम्डा, लैम्डा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा लेंथ में एंगल कवर्ड 2 पाई। कोई ये पूछ ले 10.5 मीटर में एंगल कितना कवर होगा, अब क्या करेंगे, लैम्डा का मतलब 2 पाई, 1 का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, 10.5 की जगह डेल्टा एक्स लिख सकता है वो, डेल्टा एक्स का मतलब लेंथ 10.5 है जो भी गिवन होगा, तो क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा, इसको फेज बोलते हैं। याद रखना वेव जो लेंथ कवर करती है उसको पाथ भी बोलते हैं, पाथ या पाथ डिफरेंस, तो ये फेज को फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, फाई लिखें डेल्टा फाई लिखें एक ही बात है। तो नया फॉर्मूला तैयार हो गया, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा, इसको याद कर लें, ये बुक्स काफी यूज करती हैं फॉर्मूला, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ठीक। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि फेज डिफरेंस बताओ जब वेव का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 या लैम्डा बाय 4, चलो लैम्डा बाय 2, एक काम करते हैं यहां वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा बाय 2, तो फेज डिफरेंस क्या बनेगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 2, सॉल्व करके क्या आ गया पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। उसी तरीके से ऐसे कर लें, डेल्टा एक्स की जगह दूसरा पार्ट क्या है लैम्डा बाय 4, आंसर कितना है पाई बाय 2। मैं कहता हूं ये भी ना करें, लैम्डा बाय 2 लिखें, लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, अपने मन में लैम्डा की जगह 2 पाई, 2 पाई बाय 2 इज पाई आंसर, लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा की जगह 2 पाई, 2 पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 आंसर। ये ज्यादा बेटर नहीं है, ये बेटर है, पर आपको ये मेथड तब फेल हो जाएगा जब वो कहेगा पाथ डिफरेंस है 10.5 मीटर, फिर क्या लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, फिर वो लेंथ पुट करेंगे 10.5 तो आंसर आएगा, फॉर्मूला याद करना जरूरी है इसका। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक ठीक, ये एनसीईआरटी की शीट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इसमें से, और इसके बेस पे आपने हमेशा की तरह जैसे आप खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगली शीट है ये आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वेव की इक्वेशंस ठीक है, एसएल की बुक है तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है।